कैसे हैं बच्चों? एक बार फिर आपके सामने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 7 लेकर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 7 की स्टूडेंट, और इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे ना बच्चों, वो आज हमारी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होगी। देखिए, आपके सामने मेंशन है यहाँ पर, आज हम बात करेंगे वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होनी है स्टूडेंट। तो बच्चों, चार्ज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, और लगभग लगभग हम चार्ज के ऊपर जितने भी चीजें बन सकती हैं, जैसे भी प्रॉब्लम चार्ज के ऊपर बन सकती है, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, हम ऑलरेडी सबकी बात कर चुके हैं, और जहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं हम उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की भी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे सामने आता है स्टूडेंट एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स, यानी जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है, जिसे हमने चार्ज का नाम दिया है, उसके अंदर हमने बहुत सारी चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, चार्ज की यूनिट्स पढ़ी, मतलब बहुत सारी बातें हमने चार्ज को लेकर की। अब उस चार्ज के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकती हैं एनसीईआरटी, देखिए यहां मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, उस चार्ज को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम बन सकती हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी टेक्स्ट और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तीन, क्योंकि भैया एनसीईआरटी तुम्हारी माता की तरह है बिल्कुल। ठीक है, नहीं एनसीईआरटी बिल्कुल ये समझिए कि हम लोगों के लिए जरूरी चीज है, नेसेसरी चीज है, बिल्कुल मैंडेटरी है, वो काम हमें करना ही करना है। एनसीईआरटी करने के बाद हम बीएम शर्मा लगाएं, हम इरोडोव लगाएं, हम रेसनिक एलईडी लगाएं, हम एससी वर्मा लगाएं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सबसे जरूरी हमारी ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और नंबर तीन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, और ये हम लोग टॉपिक वाइज करने वाले हैं स्टूडेंट। मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी आप लोगों के ऊपर छोड़ा जाए, सब काम मैं खुद आप लोगों को कराकर चलूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक बच्चों जो हमारे सामने आता है, टॉपिक क्या यार, एक क्वेश्चन है, हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारे पास में, कि किस तरीके से आप मेटल के स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करा सकते हैं विदाउट टचिंग। अब जैसे ही ये वर्ड मेरे सामने आया, विदाउट टचिंग, जैसे ये वर्ड मेरे सामने आया, एकदम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि यार विदाउट टचिंग का मतलब क्या है, बिना टच कराए, और ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम बॉडीज को बिना टच कराए हम चार्ज करा। भाई हमारे पास में किसी भी बॉडी को चार्ज कराने के तीन मेथड है, रबिंग मेथड, इंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड। रबिंग मेथड में भी हमें टच कराना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर, कंडक्शन मेथड में भी हमें टच मिलाना पड़ेगा, लेकिन एक मेथड हमारे पास में ऐसा है स्टूडेंट जिसके अंदर, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जिसके अंदर हमें बॉडीज को टच नहीं कराना है और बॉडीज को बिना टच कराए हम चार्ज करा सकते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास में आने वाला है वो है इलेक्ट्रो स्टैटिक इंडक्शन मेथड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मैंने आपको इस मेथड की स्टेप बाय स्टेप कंडीशंस बता रखी हैं बच्चों, इस मेथड की मैंने सारी कंडीशंस आप लोगों को बता रखी है स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे इस मेथड को हम लोगों को सॉल्व करना है, कैसे हमें इस मेथड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ये वही तरीका है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। चार स्टेप्स मैंने आपको इसके अंदर बताए थे, उन चारों स्टेप को आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, इंडक्शन मेथड का यूज करके हम किसी भी बॉडी को बड़े आराम से चार्ज करा सकते हैं बिना आपस में टच कराए। तो जहां मैंने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था, एक वीडियो के अंदर मैंने, बल्कि दो वीडियो हमारी इंडक्शन के ऊपर बेस्ड थी, उन दो वीडियोस को आप एक बार अच्छे तरीके से देखकर इस प्रॉब्लम के आंसर दे सकते हैं कि किस तरीके से हम दो बॉडीज को चार्ज करा सकते हैं विदाउट टचिंग। ओके ओके स्टूडेंट, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला सवाल हमारे पास में क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि ये हमारे पास में पानी का एक कप है, अ कप ऑफ वाटर, पानी का एक कप।
मैं आप लोगों के सामने पहले भी कह चुका हूं कि पानी के एक कप का मतलब 250 ग्राम से होता है। ओके स्टूडेंट, तो ऑलरेडी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पानी के एक कप के अंदर 250 ग्राम होता है, 250 ग्राम पानी के एक कप के अंदर होता है। हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन वन कप ऑफ वाटर। देखिए, मैं आपके सामने पहली क्लास में भी इस बारे में बता चुका हूं कि अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को कैलकुलेट करना है और उस बॉडी की क्वांटिटी आपको दे रखी है, जैसे कि हमें यहाँ वाटर की क्वांटिटी दे रखी है 250 ग्राम, ठीक है, तो हमारे पास में चार्ज को कैलकुलेट करने का एक बड़ा सटीक फॉर्मूला है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एन नॉट यानी एवोगैड्रो नंबर, जेड इंटू ई। अगर हमें क्वांटिटी गिवन दे रखी है किसी भी न्यूट्रल बॉडी की और उसके अंदर हमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करना है, तो इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए हम लोग कैसे करेंगे, चार्ज इज इक्वल टू, भाई मास हो गया है आपके पास में 250 ग्राम, ओके, कैपिटल एम यानी मॉलिक्यूलर मास देखते हैं कितना हो जाएगा, वाटर यानी H2O का मॉलिक्यूलर मास 18, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं H2O, H2 यानी 2, ऑक्सीजन का 16, ये हो गया 18, एन नॉट की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जेड यानी एटॉमिक नंबर, देखिए वाटर के अंदर एटॉमिक नंबर होगा कितना, HHO, एक एच के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक एच के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर हो गए हैं स्टूडेंट 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 10 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकल जाएगा, यानी पानी के एक कप के अंदर इतना ही तो पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है और इतना ही नेगेटिव चार्ज रहने वाला है। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पहले भी करा चुका हूं, तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, सीधा फॉर्मूला है आपके सामने, आपको वैल्यू पुट करके आंसर बनाना है बच्चों, मास मॉलिक्यूलर मास, एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल बॉडी के अंदर, जब भी क्वांटिटी आपको गिवन होगी आपको इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो बच्चों ये हमारे पास में स्टार्टिंग के दो NCERT की प्रॉब्लम्स हैं। इस क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि किसी भी बॉडी को टच कराए बिना आप कैसे चार्ज करा सकते हैं। हमने कहा भैया इंडक्शन मेथड हमारा इसीलिए तो बना है। अरे इंडक्शन मेथड बना किस लिए है, इंडक्शन मेथड इसी काम के लिए तो बना है, इंडक्शन मेथड का यूज करके हम बिना बॉडीज को आपस में टच कराए बड़े आराम से चार्ज करा सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में हमने गिवन क्वांटिटी के बेसिस पर उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है स्टूडेंट। ये हमारी स्टार्टिंग की दो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ओके। अभी हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। बड़ा अच्छा सवाल है यार, बड़ी बढ़िया प्रॉब्लम है, देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इस प्रॉब्लम को। क्वेश्चन में क्या कहा है आप देखिए, इफ 10 to the power, पहले तो आप ये देखिए यार, इसे भूल जाइए आपकी, ये क्या है, इसे भी भूल जाइए, इसे भी भूल जाइए, आप सिर्फ देखिए ये बॉडी है हमारे पास में, खूब सारे इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, खूब सारे इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल बॉडी है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे बच्चों, भाई एक बात बताओ यार, इसके पास में फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही इसके अंदर पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन्स थे, अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से बाहर निकल गए तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज अभी भी अपनी जगह है, इतना पॉजिटिव था और इतना ही नेगेटिव था, अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल गए तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, पॉजिटिव चार्ज वहीं का वहीं रहा, तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया नेगेटिव कम रहा, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम लोगों को कैलकुलेट देखिए क्या करना है, हमें ये बताना है स्टूडेंट कि इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन के निकलने से जो पॉजिटिव चार्ज आने वाला है वो कितना पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, हमें ये बताना है कि इस बॉडी पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो तो शायद हमें दे रखा है यार, 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आएगा,
बस ये बताना है कि ये 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज कितने टाइम के बाद में आएगा अगर इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बाहर निकलते हैं तो। यदि इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बाहर निकलते हैं तो इतना पॉजिटिव चार्ज कितने टाइम के बाद आने वाला है स्टूडेंट, ये हमें बताना है। देखिए अब आप ये देखिए कि भाई हमारे पास में बेसिक कंडीशन है क्या। आप ये देखिए 10^9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आ रहे हैं एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं सॉरी एक सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो मैंने माना कि टी टाइम के बाद में, आफ्टर टी टाइम, तो बच्चों हमने आप लोगों से कहा कि एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने वाले हैं। मैंने ये माना कि टी सेकंड के बाद, आफ्टर टी सेकंड के बाद में इतना चार्ज आने वाला है। तो हम ये देखते हैं कि एक सेकंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो भैया टी सेकंड में कितने बाहर निकलेंगे। एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो हम ये कहेंगे कि भैया टी सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, कुल मिलाकर इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं स्टूडेंट, कुल मिलाकर इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, ये 10^9 इलेक्ट्रॉन है पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने बाहर निकलते हैं, तो टी सेकेंड में कितने बाहर निकलेंगे, टी से मल्टीप्लाई कर दी, कुल मिलाकर इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब आप ये देखिए कि हमारे पास में चार्ज का फॉर्मूला है ये Q=ne, Q यानी चार्ज कितना दे रखा है प्लस 1 कूलम्ब, n की वैल्यू है 10^9 इंटू टी और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10^-19। सो टाइम की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 1/1.6 इंटू 10^-19 इंटू 10^9 सेकेंड। आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर बन जाएगा ये इतने टाइम के बाद इतना चार्ज आने वाला है स्टूडेंट। देखिए हमने बड़ा आसान तरीका लगाया, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो टी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, दिस ये कुल मिलाकर एन की वैल्यू हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर इतने इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर से मूव आउट हुए हैं, बाहर निकले हैं। हमारे पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है ये, Q=ne, चार्ज की वैल्यू हो गई 1, n की वैल्यू हो गई है ये, दिस ये n की वैल्यू है स्टूडेंट, ये हमारे पास में n की वैल्यू है और e की वैल्यू हो गई है ये, यहां से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे आंसर सेकंड में आ गया। लेकिन आप ये देखिए कि जो फाइनल आंसर हम लोगों को दिया है वो ईयर्स में दिया है, अब तो कुछ नहीं करना यार, सेकंड में तुमने निकाल दिया, सेकंड के बाद में इसे तुम डेज में कन्वर्ट करो और डेज के बाद तुम इसे ईयर्स में कन्वर्ट कर लो, बड़े आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डेज में कन्वर्ट करने के लिए 36400 से डिवाइड करोगे क्योंकि एक दिन के अंदर, सॉरी 86400 वन डे के अंदर 86400 सेकंड होती हैं, फिर जब डेज में कन्वर्ट कर लोगे तो 365 से डिवाइड करके आप ईयर्स में कन्वर्ट कर लोगे। तो इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ये NCERT का बच्चों एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसा कि मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूँ कि हर पॉइंट के ऊपर हमें एक स्पेशल फोकस करके चलना है, कोई भी पॉइंट हमसे मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉइंट, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को समझ के चलना है। आप इस बात को अच्छे से समझिएगा, Q=ne क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर लगाया है स्टूडेंट, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास में। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है, कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, पॉइंट में कभी नहीं होगा या फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, ठीक है। व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लेवल या लार्ज स्केल, ठीक है, यानी
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बड़े लेवल पर हम लोग इग्नोर करके क्यों चलते हैं? देखो एक छोटी सी बात देखो आप, जैसे मैंने लिखा Q इज इक्वल टू 1.6 × 10^28 × 1.6 × 10^-19। अब तुम एक बात देखो, देखो मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, यहां पर मैंने लिखा Q इज इक्वल टू एन ई, ये n की वैल्यू है, ये e की वैल्यू है, ठीक है। ये एक बड़े लेवल का चार्ज है, एक लार्ज स्केल का चार्ज है। कितना चार्ज आएगा हम लोग देख लेते हैं जरा, चार्ज आएगा 2.56 × 10^9 कूलम। 10^+9 कूलम ना एक बहुत बड़ा चार्ज होता है स्टूडेंट। अब मैंने इसे इग्नोर क्यों किया? मैंने देखो क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन के सामने यहां एक इंटीजर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? इंटीजर। अब यार ये इतनी बड़ी वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू है कि तुम इसे पॉइंट में या इंटीजर में तुम बता ही नहीं सकते हो, तुम हमेशा ही इसे इंटीजर में मान के चलोगे। हमेशा कहां में मान के चलोगे? देखो 10^28, 10 के सामने 28 जीरो है, तो बहुत लार्ज स्केल पर चार्ज की वैल्यू हमारे सामने निकल गई है। इसीलिए बड़े लेवल पर हम क्वांटाइजेशन, बड़े लेवल पर यानी बहुत बड़े लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, क्योंकि वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते हैं कि हम बता ही नहीं सकते हैं कि वो डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, या पूरा कंप्लीट इंटीजर नंबर है। तो इसीलिए बहुत बड़े लेवल पर भी और बहुत छोटे लेवल पर भी, बहुत छोटे लेवल लाइक माइक्रोस्कोपिक लेवल, जहां हम लोग क्वार्क के लेवल पर पहुंच जाते हैं, वहां हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल नहीं होता है स्टूडेंट। ये बात आपको ध्यान से समझ के चलनी है। तो पहले क्वेश्चन में सीधे तौर पे हमसे बात की थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और मैंने आपको बताया कि भाई छोटे लेवल पर तो क्वांटाइजेशन क्वार्क की वजह से एप्लीकेबल नहीं है, और बड़े लेवल पर इलेक्ट्रॉन का नंबर इतना ज्यादा होता है कि आप बता नहीं सकते हो कि वो फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, या इंटीजर है। इसीलिए बड़े लेवल पर हम इसे इग्नोर करके चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड के अंदर से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं बच्चों। ग्लास के अंदर से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए ग्लास पर आता है पॉजिटिव और सिल्क पर आता है नेगेटिव। बिना क्वेश्चन पढ़े मैंने आपको यहां दो पॉइंट बता दिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां ट्रांसफर होंगे, इसीलिए यहां आएगा पॉजिटिव और यहां आएगा नेगेटिव। इसके बाद देखिए, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, ऑब्वियसली भाई डेफिनेटली जब एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर ट्रांसफर होंगे, एक पर पॉजिटिव आएगा, दूसरे पर नेगेटिव आएगा। ए सिमिलर फेनोमेना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का फिनोमिना पढ़ाया था, तो मैंने इसी क्वेश्चन का आंसर आपको दिया था कि भाई स्टार्टिंग में दो बॉडीज न्यूट्रल होती हैं, इसका भी चार्ज जीरो है, इसका भी चार्ज जीरो है। शुरुआत में दोनों बॉडी न्यूट्रल है, इसका भी चार्ज जीरो है, इसका भी चार्ज जीरो है। दोनों बॉडीज को अगर मैं रबिंग कराऊं तो एक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर ट्रांसफर हो जाएंगे, एक पर आ जाएगा प्लस एन ई, एक पर आ जाएगा माइनस एन ई, प्लस एन ई को माइनस एन ई में जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? जीरो। यानी पहले भी टोटल चार्ज कितना था? जीरो। रबिंग कराने के बाद भी टोटल चार्ज कितना है? जीरो। तो इसीलिए ये कंसिस्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ। भाई मैं ऑलरेडी आपको एक क्लास के अंदर जहां मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था, तो ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि तुम्हारे, मान लो कि मेरे पास में एक मार्कर है और एक ये है, दोनों अभी न्यूट्रल है, इनके ऊपर चार्ज जो है वो जीरो है। मैंने इन दोनों को रबिंग कराया, रबिंग कराने से यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां ट्रांसफर हो गए, जितना पॉजिटिव चार्ज यहां आया उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां आया, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। पहले भी टोटल चार्ज कितना था? जीरो। तो ये जो रबिंग मेथड है ना बच्चों, रबिंग मेथड ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुली वेरीफाई करता है, सक्सेसफुली ओबे करता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम हमें दी गई है, एनसीईआरटी का सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये हमारे पास में फर्स्ट हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सीधा सीधा मतलब है कि फर्स्ट क्वेश्चन को जिस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है, या वो बड़े लेवल पर और छोटे लेवल पर एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है। बड़े लेवल पर तो एप्लीकेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ हम पता नहीं लगा सकते हैं कि वो इंटीजर है, डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है, ठीक है। और छोटे लेवल पर क्वार्क एग्जिस्ट कर जाती है, इसीलिए क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर करके चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में सीधा सीधा सवाल ये आया है कि जो रबिंग मेथड है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे सक्सेसफुली ओबे करता है। तो मैंने पहले बताया कि भाई घिसने से पहले टोटल चार्ज जीरो था, घिसने के बाद भी टोटल चार्ज जीरो है, एक पर प्लस एक पर माइनस जोड़ेंगे जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए रबिंग मेथड में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट काम करेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारी दो प्रॉब्लम एनसीईआरटी की हो गई है, आप प्रॉब्लम यहां से क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए अगली प्रॉब्लम क्या बनी बच्चों हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन ए 3.11 ग्राम पेनी, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके सामने आया है, ठीक है, ये आपके सामने आंसर है। एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर दिस, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दिस। भाई मैंने अभी पहला ही क्वेश्चन, यार मैंने पहला ही क्वेश्चन क्या बताया आपको, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताया कि अगर किसी, पहले तो आप ये देखिए कि ये कॉपर पेनी है, ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से कॉपर पेनी है, कॉपर का एक कॉइन है यार, एक कॉइन है, सिंपल एक कॉइन है। बताओ न्यूट्रल होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली न्यूट्रल होगा यार, तुम इसे टच करोगे तुम्हें करंट थोड़ी लगेगा। अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब यह है कि जितना चार्ज इसके अंदर पॉजिटिव है उतना ही चार्ज इसके अंदर नेगेटिव है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। दूसरी बात, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसकी क्वांटिटी दे रखी है या नहीं दे रखी है। तुम्हें इसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी ये रही 3.11 ग्राम पेनी, दे रखी है ना क्वांटिटी। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी न्यूट्रल बॉडी की क्वांटिटी आपको दे रखी है और उसके अंदर आप लोगों से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पूछा है, बड़ा आसान तरीका है भैया, बहुत ही आसान तरीका है। क्या है तरीका, जरा अप्लाई करते हैं। तरीका हमारे पास में ये है, क्यू इज इक्वल टू मास, एटॉमिक वेट, एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और चूंकि ये न्यूट्रल है तो जितना चार्ज पॉजिटिव होगा बिल्कुल उतना ही चार्ज इसके अंदर नेगेटिव होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। सो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस, मास कितना हो गया 3.11, एटॉमिक वेट कितना हो गया 63.5, एंड नॉट की वैल्यू 6.022 × 10³। जेड एटॉमिक नंबर, बताइए कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29 भैया दे रखा है यार, हमें तो कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं, इसने तो ऑलरेडी हम लोगों को गिवन दे दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में जेड की वैल्यू 29, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। लो भैया ये हमारे पास में आंसर बन चुका है कुछ इस तरीके से, बस सीधा मल्टीप्लाई करनी है। तो चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस 3.11, 63.5, 6.022 × 29 × 1.6 × 10³⁰ और माइनस के 19, ये हो जाएगा प्लस के 4 कूलम। सॉल्व आप ही करोगे, मैं नहीं करूँगा सॉल्व, पूरा सॉल्व करके आप कमेंट में इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं कि कितना आंसर इसका आने वाला है। ये NCERT एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम है बच्चों, NCERT एग्जाम्पलर में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम बनानी है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी और आराम से आप कर पाएंगे, क्योंकि भाई मैं कई कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ कि जब भी किसी क्वांटिटी की बात होगी तो चार्ज निकालने का सीधा फॉर्मूला आपके पास में ये है, और अगर किसी मोल की बात होगी तो मोल की कंडीशन में बस स्मॉल m अपॉन कैपिटल m की जगह नंबर ऑफ मोल आपको रख देना है, फिर चार्ज निकालने का फॉर्मूला ये है। क्वांटिटी के केस में चार्ज निकालने का फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल के केस में चार्ज निकालने का फॉर्मूला ये है। बड़े आराम से आप प्रॉब्लम बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम है ही नहीं इसके अंदर, बड़ा ईजी काम है यार, और कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उम्मीद है कि समझ आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, आप देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। टू पॉइंट चार्ज
Q1 and Q2 are placed close to each other in air. What is the nature of force between them? हालांकि कूलम लॉ की प्रॉब्लम है, लेकिन चार्ज पढ़ रहे हैं तो यार हो जानी चाहिए, क्योंकि इतना तो सब जानते हैं कि प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और आप लोगों को यहां दिख भी रहा होगा। देखिए ये प्लस ये प्लस ये प्लस दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये प्लस और ये माइनस ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं आंसर के तौर पे प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्लस माइनस ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक कंडीशन अट्रैक्शन की है, बाकी दो कंडीशन रिपल्शन की है। अब तुम एक बात बताओ, हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट कंडीशन Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन ऑफ जीरो, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने पर जीरो से बड़ा आता है। तो कब जीरो से बड़ा आ सकता है यार? मेरे हिसाब से पहली और तीसरी कंडीशन में जीरो से बड़ा आ सकता है। कैसे? पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव में करोगे, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव जीरो से बड़ा होता है, सेटिस्फाई कर रहा है इसे। नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव में करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव जीरो से बड़ा होता है, वो भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है। यानी पहली और तीसरी कंडीशन इसे सेटिस्फाई कर रही है। पहली कंडीशन में क्या होता है? रिपल्शन। तीसरी कंडीशन में क्या होता है? रिपल्शन। यानी ये जो सिचुएशन आपके सामने दे रखी है ये रिपल्सिव की कंडीशन है, यानी रिपल्शन की कंडीशन है। इस सिचुएशन में फोर्स का जो नेचर होगा वो रिपल्सिव होगा बच्चों, रिपल्सिव। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब एक ही बच गया हमारे पास में, कौन सा बचा? यदि हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव में करेंगे, तो क्या आएगा भैया? नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा नेगेटिव, और नेगेटिव जीरो से छोटा होता है, और इसमें है अट्रैक्शन, तो इसका मतलब है कि ये सिचुएशन हमारी अट्रैक्टिव नेचर को शो करती है। ये रिपल्सिव नेचर को शो करेगी, वो अट्रैक्टिव नेचर को शो करेगी। बड़ा इजी प्रॉब्लम है, बहुत कुछ करने के लिए इसके अंदर है नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों हमारे पास में, ये क्वेश्चन हमें दिया है। 5 वॉल नंबर्ड 1 टू 5, पांच बॉल है भैया, इनके ऊपर नंबर है 1 से 5, आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेशन थ्रेड, सेपरेट थ्रेड पेयर, ये पेयर को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट। 1 2 2 4 4 1 शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वाइल द पेयर्स 2 3 एंड 4 5 शो रिपल्शन। What is the charge on ball 1? First ball के ऊपर हमें charge बताना है। तो हम ऐसा करते हैं कि ball बना देते हैं। देखो ये पहली ball है, ball number 1। ये दूसरी ball है, ball number 2। ये तीसरी ball है student, ball number 3। ये चौथी ball है हमारे पास में, this is ball number 4। और ये student हमारे पास में last ball है, बॉल नंबर 5। पांच बॉल हमारे सामने कुछ इस तरीके से दी गई है। अब देखते हैं कि कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। देखो हुआ क्या, अब उसने हमें क्या कहा बच्चों, आप देखो जरा गौर के साथ। उसने हमें कहा 1 और 2, 2 और 4, 4 और 1 अट्रैक्शन को दिखाते हैं। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है, 2 के और 4 के बीच में अट्रैक्शन होता है, यहां भी अट्रैक्शन होता है, और 4 के और 1 के बीच में भी अट्रैक्शन होता है, यहां भी अट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद अगली कंडीशन हमें क्या कही गई स्टूडेंट, आप देखिए जरा गौर के साथ भाई। नेक्स्ट सिचुएशन हमें कही गई 2 में और 3 में, यानी इन दोनों में रिपल्शन होता है, और 4 में और 5 में भी रिपल्शन होता है, यहां भी रिपल्शन होता है। बच्चों ये सिचुएशन हमारे सामने है, हम कितने भी पेयर बनाने की कोशिश क्यों ना करें बच्चों, थोड़ा मुश्किल है, नहीं बन पाता है। हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव करके रख के देखें तो काफी समय लग जाता है। मैं सीधा आपको आंसर बताता हूं। आंसर यह है कि जो पहले वाली बॉल है हमारे पास में स्टूडेंट,
ये पहले वाली बॉल हमारे पास में न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब आप इसे सेटिस्फाई कराकर देखना और देखना कि आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रल बॉडी होती है ना, वो हमेशा चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है। बच्चों हमेशा चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है। मैंने पहली बॉडी को न्यूट्रल मान लिया, देखो उसने क्या कहा, पहली और दूसरी के बीच में अट्रैक्शन होता है। भाई दूसरी पर पक्का कोई ना कोई चार्ज रहा होगा, आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, अट्रैक्शन सही है। चौथी बॉडी पर कोई ना कोई चार्ज रहा होगा, पक्का रहा होगा, आइदर भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। ये चौथे वाली बॉडी भी क्या करेगी, इसे भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। देखो मैंने ये माना है, स्टूडेंट बात सुनेगा आप लोग ध्यान से, मैंने ये माना कि सेकेंड वाली बॉडी पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इस वन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये जो चौथे वाला है ये न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, चौथे पर क्या है माइनस, दूसरे पर क्या है प्लस, इनके बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अगर मैं पहली बॉडी को न्यूट्रल मान लूं बच्चों, तो ये न्यूट्रल बॉडी हर एक कंडीशन को सक्सेसफुली वेरीफाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी। आप लोग करके देख सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन को अपने आप बनाएं। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया है कि कैसे क्वेश्चन करना है, और उम्मीद है कि आप लोग प्रॉब्लम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। बाकी ये चौथा है, ये पांचवा है, अगर इस पर नेगेटिव है तो डेफिनेटली इस पर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अभी क्या बचा हमारे पास में, सेकंड, ये पॉजिटिव है तो थर्ड पर भी हमारे पास में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो चार्ज ऑन फर्स्ट बॉल, देयर इज नो चार्ज ऑन फर्स्ट बॉल, देयर इज नो चार्ज ऑन फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बॉल हमारी न्यूट्रल है। आपको यहां से एक नई बात सीखने के लिए मिलती है कि न्यूट्रल बॉडी हमेशा चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है बच्चों। क्योंकि मैंने कल एक एग्जांपल भी आपको बताया था कि रूम के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारी स्क्रीन के ऊपर ना, स्क्रीन के चलने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की वजह से इस पर थोड़ा सा चार्ज आ जाता है, और रूम के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो हमेशा न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला चार्ज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा सवाल है बच्चों, ये भी आप देखें जरा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, इज अ चार्ज ऑफ दिस पॉसिबल स्टेट वाई, हमें बताना यार चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो मेरे जो दिमाग में इसका एक ही तरीका आ रहा है, क्या क्वांटाइजेशन का रूल ये कहता है कि q इज इक्वल टू एन ई, और n क्या होना चाहिए, n होना चाहिए इंटीजर, n क्या होना चाहिए, एन इंटीजर होना चाहिए। स्टूडेंट मेरे तो दिमाग में यही आ रहा है यार, और तो कुछ नहीं आ रहा है कि जो हमारे पास में एन है वो इंटीजर होना चाहिए। हम चेक करके देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर है या नहीं है, अगर इंटीजर आ गए तो पॉसिबल है, और अगर इंटीजर नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। चलिए रखते हैं, चार्ज की वैल्यू ये है, पुट करते हैं यहाँ 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, एन हमें निकालना है, ई की वैल्यू है ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ओके, इससे ये कैंसिल आउट, नहीं तो अभी मत करो यार, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक लंबी पड़ जाएगी। काम करो यहीं रखो अभी तुम लोग इसे, मैं रफ कर देता हूँ एक मिनट, रुक जाओ जरा। क्योंकि देखो हमने रखा 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 एन इंटू ई, सो एन इज इक्वल टू 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, जब ये ई इसके अपॉन में पहुंच जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर प्लस 18, सो एन इज इक्वल टू 5.8, 6.25, ये माइनस 19 है, ये प्लस 18 है, 10 की पावर माइनस 1 जिसका मतलब होता है 0.1, तीनों की मल्टीप्लाई करो, बताओ कौन बताएगा आंसर, कमेंट में जरूर मेंशन करना, मेंशन सभी लोगों को करना है कि नाइन्थ क्वेश्चन चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई करके डेसिमल वाला नंबर आया तो पॉसिबल नहीं है, और अगर इंटीजर आया तो पॉसिबल है। सभी लोगों को ये आंसर मुझे देना है, सभी लोग ये आंसर देंगे कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गई बच्चों हमारे पास में। नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास में, इफ इफ ए प्रोटोन अंडरगोज बीटा डीके टू बिकम अ न्यूट्रॉन,
विच पार्टिकल इज एमिटेड एमंग पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन राइट द रिएक्शन। यानी प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना है। आंसर नंबर 10 यहां लिख रहा हूं बच्चों, तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये हम लोग सही मायने में 12th में कहीं नवंबर दिसंबर में जाके पढ़ेंगे, बहुत लेट पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं आएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगा। लेकिन चूंकि क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम है तो करनी तो है ही यार, कर लेते हैं। तुम लोग समझने का प्रयास करना, कोशिश करना कि तुम लोग समझ रहे हो क्या। प्रोटोन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना है। देखो प्रोटोन का मतलब होता है 1H1, ठीक है, 1H1 यानी प्रोटोन। इस प्रोटॉन को हमें कन्वर्ट करना है न्यूट्रॉन में, हमने कन्वर्ट कर दिया न्यूट्रॉन में। अब तुम बताओ कि एटॉमिक नंबर कितना है, 1, मास नंबर कितना है, 1, यहां एटॉमिक नंबर कितना है, 0, मास नंबर कितना है, 1, बताओ एटॉमिक नंबर की कमी है या नहीं है भाई। यहां एटॉमिक नंबर कितना था, 1, मास नंबर कितना था, 1। अगर हमने प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया तो मास नंबर तो हमें मिल गया, लेकिन क्या एटॉमिक नंबर मिला, नहीं मिला। और न्यूक्लियर रिएक्शन का बेसिक ये कहता है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों कंजर्व रहते हैं। तो मैं ये कहूंगा एक ऐसा पार्टिकल निकलेगा जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 होगा और मास नंबर 0 होगा, साथ में थोड़ी सी एनर्जी बाहर निकल जाएगी। अब तुम एक बात बताओ, 1 1, 0 और 1, 1 1 और 0, 1, ये प्लस है या माइनस है, प्लस है। तो इसका मतलब है कि इस पार्टिकल का नाम होगा स्टूडेंट पॉजिट्रॉन। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहे जो आप लोगों से अछूता रहे, यानी कोई ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ना रहे कि आप लोगों की वहां तक पहुंच ना हो, सब कुछ आप लोगों को पता हो, इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम यहां डाली है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि इस बार हमें बच्चों न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करना है प्रोटॉन में, उल्टा करना है। इस बार न्यूट्रॉन है यार हमारे पास में 0N1, हमने इसे प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया। अरे यहां तो 0 था यार, ये 1 कहां से आ गया। अगर नीचे 0 है तो यहां भी नीचे की तरफ 0 होना चाहिए, यहां 1 है, ये 1 तो ठीक है। तो इसीलिए यहां से एक पार्टिकल हमारे सामने निकलेगा -1β0 प्लस एनर्जी। अब आप जरा देखो, 0 1 और -1, 0 1 और 0 1, ये कहलाएगा बच्चों बीटा पार्टिकल, यानी इसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन। तो अब आंसर क्या है, आंसर ये है, मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर प्रोटॉन को यदि आप लोग प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे तो पॉजिट्रॉन निकलेगा, और अगर न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये रिएक्शन हमारे सामने होने वाली है स्टूडेंट, घबराएं नहीं, आगे चलकर बहुत रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी 11 प्रॉब्लम NCERT के ऊपर बेस्ड थी। मैं ये चाहता हूं कि एक एक प्रॉब्लम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहे, किसी भी प्रॉब्लम में आप लोगों को मतलब किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना आए बिल्कुल भी। मैंने NCERT के एग्जाम्पल, NCERT एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर मैंने सब आपको करा दी है। डिस्क्रिप्शन में जो हमने आपको लिंक दी थी उसमें चार्ज को लेकर जितने भी सवाल बन सकते थे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, 1 मार्क्स, सब कुछ हम लोगों ने डाले हुए हैं। आप अपनी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, अपने आंसर्स को मैच करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं। और जैसा कि आज की वीडियो में भी मैंने आपको बताया है बच्चों, 31 मार्च टिल 31 मार्च तक ही आप लोगों की क्लास यूट्यूब के ऊपर चलेंगी। 1 अप्रैल से आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। आप लोग उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, तभी आप लोगों को लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, उसके बाद ही आप अपनी क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे स्टूडेंट। तो 31 मार्च से पहले पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए हम लोगों को कॉल करके, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं। यदि आप 31 मार्च के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके लिए आपके पास में ऑनलाइन ऑप्शन रहेगा, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही कोशिश करोगे और उससे पहले ही आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, ठीक है। तो ये सारी बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली है स्टूडेंट।
अब मेरे पास में इन सबसे अलग एक क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, इन सबसे अलग मेरे पास में एक सवाल है आप लोगों के लिए। अच्छा, अच्छी प्रॉब्लम है यार, मुझे अच्छी लगती है काफी प्रॉब्लम। देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन, क्या है जरा देखते हैं। सवाल ये आया, फाइंड पॉजिटिव चार्ज इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा सवाल है। ठीक है, अब कैसे हमें इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि चार्ज होगा कितना। उसने कहा पॉजिटिव चार्ज, हम कहेंगे यार पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि आपको कैल्शियम आयन दिया है, कैल्शियम के ऊपर डबल पॉजिटिव लगा हुआ है, कैल्शियम के ऊपर। ये न्यूट्रल नहीं है। अब तक हमने जितने भी सवाल इस तरीके के करे वहां हमने बॉडी को न्यूट्रल मान के रखा हुआ था। ये न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर तो पहले से पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज निकालना है। अच्छा, अब आंसर देते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, अगर क्वांटिटी गिवन है तो आप लगाएंगे फॉर्मूला ये, मास एटॉमिक वेट एन नॉट इंटू जेड इंटू ई। अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। भाई मास दे रखा है 20, कैपिटल एम कैल्शियम के लिए होता है 40, एन नॉट हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, जेड बचा। क्या बचा? जेड। अब समझने वाली बात यह है कि जब हम न्यूट्रल बॉडी की बात कर रहे थे तब हम जेड की जगह उसका एटॉमिक नंबर रखते थे। जैसे वाटर की बात कर रहे थे तो देखो, वाटर के एक एटम में यानी एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? HHO, एक H के अंदर एक, दूसरे H के अंदर दो, ऑक्सीजन के अंदर 8, कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन थे। न्यूट्रल बॉडी में आपको Z देखना था। यहां Z का काम कौन करेगा आपको ये देखना है। यहां Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करता है। यहां Z का मतलब है कि कितने पॉजिटिव लगे हुए हैं इसके ऊपर, कितने पॉजिटिव हैं? दो। तो Z का काम करेगा ओनली 2। आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो चार्ज इज इक्वल टू 6.022 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 4 कूलम्ब, इतना चार्ज आने वाला है। स्टूडेंट, न्यूट्रल बॉडी में, मैं एक बार दोहरा देता हूं, न्यूट्रल बॉडी में जेड की जगह एटॉमिक नंबर रखना है, और अगर कोई आपको पहले से आयन दे रखा, इन केस ऑफ आयन जितने पॉजिटिव या जितने नेगेटिव होंगे वो आपको यहां पुट करने हैं। ओके स्टूडेंट, सो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। जो भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एनसीईआरटी में, मतलब चार्ज का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा वो हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अगर चार्ज में कोई टॉपिक आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको दोबारा से क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ओके।